जय हिंद दोस्तों। एसपीडी करेंट अफेयर्स में आज का टॉपिक है 2022-23 में हुए प्रमुख युद्धाभ्यास। ठीक है, जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ ट्री के हिसाब से बता देंगे कि याद भी हो जाए। देखिए, इसमें कह रहा है सातवां जो अजय वॉरियर है, ठीक है, ये किन दो देशों के बीच में हुआ। और पूछा जाता है क्वेश्चन, अगर यहाँ से बनता है तो पूछा जाता है ये किन दो देशों के बीच का युद्धाभ्यास है और कौन से स्थान पर हुआ। आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है और किन सेनाओं का है। ठीक है, तो तीन से चार जो क्वेश्चन है इसका पूछने का जो तरीका है अलग अलग ये पूछ सकता है। तो सातवां अजय वॉरियर यहाँ देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि अजय वॉरियर है। ठीक है, ये किसके बीच हुआ, तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में ये हुआ। कहाँ हुआ, तो यूके में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में ही ये हुआ। और किन सेनाओं के बीच का है ये, तो थल सेना का है। ठीक है, तो इसमें याद कीजिए अजय वॉरियर, वॉरियर जो हुआ अजय का मतलब कि वॉरियर, वॉरियर का अजय यानी कि यहाँ रिलेट कर सकते हैं हम विजय से। ठीक है, मतलब कि विजय हुआ, अजय हुआ, तो ये कहाँ हुआ, तो जो वॉरियर जो थे ये अंग्रेजी से लड़े थे ना, तब ना हमें विजय मिला। तो किन से, तो अंग्रेज से, तो भारत और अंग्रेज से। ये किस कहाँ लड़ा गया, तो थल पर लड़ा गया, यानी कि स्थल पर लड़ा गया। ठीक है, तो थल सेना का हो गया। तो ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि अभ्यास इनियोचोस जो हुआ 2023, ये कहाँ हुआ। ठीक है, तो ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, इसमें पांच नाटो जो सहयोगी देश है उसका है और चार जो गैर नाटो थे इसमें इसमें भाग लिया था। ठीक है, और ये ग्रीस के एडाबिंडा एयरबेस में हुआ था। ये अभी भी मतलब ये मई तक हुआ था, अप्रैल में शुरू हुआ था और मई तक तीन अलग अलग चरणों में इसका आयोजन किया गया था। इसमें भारत का जो F-16 है, याद रखिएगा, पूछा जाए तो F-16 जो लड़ाकू विमान था इसमें भाग लिया था। ऐसा है तो ये वायुसेना का है। ठीक है, कोप इंडिया 2023, तो कोप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच होता है। आपसे क्वेश्चन यहां से अगर ये नहीं पूछेगा कि कहां से होता है, अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कोप इंडिया, तो याद रखिएगा भारत और अमेरिका के बीच आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा। अगर देखा जाए अर्जन सिंह जो कलाई कुंडा है ये आगरा में हुआ। ठीक है, ये भारत में ही हुआ और कैसा है, तो कोप इंडिया जो है वायुसेना का है। दसवां सिलिनेक्स इसके नाम में ही है 2023, असली मतलब इसके नाम में ही है। देखिए, श्रीलंका SL है ना, श्रीलंका। ठीक है, और IN है तो इंडिया, और EX का मतलब एक्सरसाइज। ठीक है, तो सिलिनेक्स किन दो देशों के बीच का हो गया, तो इसमें देखिए भारत और श्रीलंका के बीच अगर पूछा जाए कहाँ हुआ, तो ये कोलंबो में हुआ। कैसा है, तो ये नौसेना का है। आगे है एफ इंडेक्स जो कहा जा रहा है, इसको जूम करने पर छोटा हो जा रहा है। चलिए कोई नहीं, एफ इंडेक्स है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा, एफ इंडेक्स जो हुआ इसके नाम में ही है। देखिए AF है तो इसके नाम में ही है अफ्रीका, और इंडिया IN से इंडिया। ठीक है, और IND है इंडिया, और एक्सरसाइज एफ इंडेक्स इसके बीच, तो भारत और अफ्रीकी महाद्वीप के जो हुआ 23 देश था इसके बीच में हुआ, और ये कहाँ हुआ, तो पुणे में हुआ। कैसा है, तो ये थल सेना का है। और इसमें जो फ्रिंज एक्स इसके नाम में ही है, जैसे कि नाम में जो आ रहा है उसे भी आप पता लगा सकते हैं, तो ये फ्रांस और इंडिया के बीच में है। तिरुवनंतपुरम ये कहाँ हुआ, तो केरल में हुआ। कैसा है, तो ये थल सेना का है। कोंकण एक्सरसाइज 2023, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बिहार BED का जो इंट्रेंस हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, कोंकण एक्सरसाइज 2023 इन दो देशों के बीच का युद्ध अभ्यास है, क्वेश्चन यही था। तो भारत और UK के बीच का है ये, यूनाइटेड किंगडम के बीच का है। अरब सागर में कोंकण तट पर हुआ, ये अरब सागर में जो कोंकण तट है यहाँ पर हुआ, इस कारण इसी का जो नाम है कोंकण एक्सरसाइज है। ठीक है, और ये कैसा है, तो नौसेना का है। कण कण में क्या होता है ना, हम लोग देखते हैं कि कण कण में मतलब कि हमारे कण कण में क्या है, तो जल का है। शरीर में जो अधिकांश होता है ये जल ही होता है ना, तो ये कैसा है, तो नौसेना का। ठीक है, 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र, अच्छा इसमें देखिए कुरुक्षेत्र आ रहा है, बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच, इम्पोर्टेंट है ये। जोधपुर सैन्य स्टेशन राजस्थान में हुआ, और कैसा है, तो थल सेना का है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि जो जो बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 युद्ध अभ्यास है किन दो देशों के बीच का है, तो भारत और सिंगापुर का। अच्छा देखिए, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जो जगह होता है मतलब कि जो लड़ाई हुआ रहा था कुरुक्षेत्र का, ये कहाँ हुआ था, तो स्थल पर ही हुआ था। ठीक है, तो इसमें कैसा है, तो थल सेना का है। और कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई जब होता था तो उससे पहले क्या बजाया जाता था, तो सिंगा ये सब जो होता था
वाद्य यंत्र वो बजाया जाता था। ठीक है, तो सिंगा इसमें जो हो गया, तो सिंगापुर, बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके, भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ। ठीक है, और थल सेना का हो गया जोधपुर सैन्य स्टेशन, राजस्थान में ये हुआ था। ला पेडोस थर्ड एक्सरसाइज 2023, ये कैसा है, तो बहुराष्ट्रीय है। ठीक है, हिंद महासागर क्षेत्र में हुआ और ये नौसेना का है। अच्छा, ला पेडोस जो हम लोग अपने पड़ोस में देखते हैं क्या होता है ना, कि बहुत सारे पड़ोसी का घर होता है, तो बहुराष्ट्रीय इसमें बहुत सारे। ठीक है, हिंद महासागर क्षेत्र अपना पड़ोस, हिंद महासागर के क्षेत्र का बात हो रहा है इसमें, तो ये कैसा है, तो ये नौसेना का है। ठीक है, पड़ोस के रक्षा के लिए कितना सेना, लगभग नौसेना का तो कम से कम जरूरत पड़ेगा ना, तो नौसेना रख लिया। ठीक है, पड़ोस में तो नौसेना। सिन्नु मैत्री अभ्यास 2023, इसमें भारत और जापान के बीच में हुआ। सिन्नु मैत्री, मैत्री याद ही होगा। ठीक है, ये किसके बीच में है, तो भारत और जापान के बीच, जापान के कोमात्सू में हुआ, ये वायुसेना का है। ठीक है, दस्तलिक चार एक्सरसाइज, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला है। ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ और थल सेना का है ये। धर्म गार्जियन याद रखिएगा, जो फोर एक्सरसाइज हुआ 2023, इंपॉर्टेंट है, भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन, जापान के जो सिंगो प्रांत के कैंप जामम में हुआ, ये सिर्फ याद रखिए थल सेना का है, जापान में ही हुआ। ठीक है, तर्कस सिक्स एक्सरसाइज, तर्कस इंपॉर्टेंट है, किसके बीच, तो भारत और अमेरिका के बीच, ये कहाँ हुआ, तो चेन्नई में हुआ, थल सेना का है ये। ठीक है, देखिए इसमें तर्कस, इसमें देखिए इसमें याद रखिए काश, तर्कस आ रहा है, तो काश से इसमें रिलेट कर सकते हैं कि काश भारत और अमेरिका एक हो जाए, सोचिए एक हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा ना कि चैन ही चैन आ जाएगा थल पर, मतलब कि स्थल पर क्या होगा ना कि चैन ही चैन आ जाएगा, तो चेन्नई। ठीक है, थल सेना, तो इसमें याद रख सकते हैं तर्कस, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें ही हुआ है, तो भारत और किसके बीच, अमेरिका के बीच, कहाँ, तो चेन्नई में, और थल सेना का। पहला साइक्लोन वन जो एक्सरसाइज हुआ था, तो ये पता ही होगा, बता ही हुए थे इसको, तो किसके, भारत और मिस्र के बीच, राजस्थान के जैसलमेर में, जब गणतंत्र दिवस परेड समारोह में वहाँ के जब मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति आए थे, क्या नाम है, अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, जब यहाँ आए हुए थे राजस्थान के जैसलमेर में, तो उन्हीं के सेनाओं के बीच में ये हुआ था, थल सेना का हो गया साइक्लोन, ये चर्चित है, इंपॉर्टेंट है। वीर गार्जियन अभ्यास 2022, वीर गार्जियन, ठीक है, गार्जियन जापान के बीच, भारत और जापान, हयाकुरी और एयरबेस जो है, हयाकुरी और ये एयरबेस जो है, ये जापान में, वायुसेना का यहाँ हुआ। 21वां वरुण, तो वरुण जो हुआ किसके बीच, तो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वरुण अगर सीधे रहेगा कि वरुण अभ्यास था, भारत और फ्रांस के बीच में हो जाएगा। ठीक है, ये पश्चिमी तट पर हुआ, नौसेना का है। 21वां अग्नि वॉरियर, ठीक है, भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ, देवलाली महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है, ये अग्नि वॉरियर जो है, ये भारत और सिंगापुर के बीच में है, देवलाली महाराष्ट्र में है, नौसेना का है। 7वां संगम अभ्यास, संगम, अच्छा नदियों का संगम अधिक सुने होइएगा ना, तो ये नौसेना का है, ये किसका है, तो नौसेना का है। संगम भी किसके बीच में है, तो भारत और अमेरिका के बीच में है ये संगम। ठीक है, और ये कहाँ हुआ, तो गोवा में हुआ। रिलेट कर सकते हैं कि भारत और अमेरिका का संगम, ठीक है, गोवा में। छठा काजिंद अभ्यास 2022, ये कहाँ हुआ, तो काजिंद, इसमें नाम में ही है, कजाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, तो मेघालय के उमरेवे में हुआ, कजाकिस्तान जो है जिंद, ठीक है, ये थल सेना का है। देखिए इसमें काजिंद पूछा जाता है, नाम में ही है, तो मेघालय के उमरेवे में, इसमें क्या बताए। ठीक है, अगर देखिए, अगर पूछ दिया जाए, अगर पूछ दिया जाए जगह पूछ दिया जाए, तो मेघालय में रुई में, यहाँ देखिए देखिए इसमें क्या कह रहा है, का जिंद, मतलब कि जिंदा, इसमें जिंद जिंद मतलब आ रहा है कि, तो जिंदा जैसा इसमें आ रहा है ना कि जिंद, तो जिंदा। अगर पूछा जाए कि ये कहाँ हुआ, तो कह सकते हैं कि अगर जिंदा हो तो यार क्या मेघ की तरह रो रहे हो, मतलब कि मेघ की तरह आंसू बहा रहे हो, रो रहे हो, तो मेघालय रुई, इसमें रुई आ रहा है ना, तो ये मेघालय के उमरोई में हुआ, थल सेना का है। ठीक है, 16वां सूर्य किरण अभ्यास 2022, तो सूर्य किरण पता ही है आप लोग को। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में, नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सालझंडी नेपाल में हुआ, ये थल सेना का है। 8वां हरिमो शक्ति अभ्यास, ये भारत और मलेशिया के बीच में है, जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन छपने वाला है, उसको थोड़ा बता दे रहे हैं ट्रिक पर, ऐसे याद रखिए सभी। हरिमो शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में हुआ, मलेशिया में है, ये थल सेना का है। ठीक है, उसके आगे जो कह रहे हैं,
आठवां गरुड़ शक्ति अभ्यास था। अच्छा, ये गरुड़ शक्ति गुरूर मतलब कि देखते हैं ये गाना, ये पूछा जाता है, देखिए इसमें गरुड़ शक्ति है, ठीक है। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच, इंडोनेशिया के ये जो कहा जा रहा है, इंडोनेशिया के कहाँ है ये, करावांग में हुआ, थल सेना का है, ठीक है। गरुड़ शक्ति, अच्छा देखते हो ये का गुरूर जो होता है, गरुर गुरूर शक्ति शक्ति गुरूर, जिस किसी में जब शक्ति ज़्यादा हो जाता है तो वो गुरूर करने लगता है। तो इन दोनों में गुरूर किसके पास है, तो इन दोनों में गुरूर नहीं होता है कि इन दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है, तो हम लोग नहीं कहते हैं, इन दोनों में गुरूर हो गया है, ठीक है, गुरूर है। तो भारत और इंडोनेशिया, इन दोनों में, तो इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया के कराबांग में हुआ और थल पर ही ऐसा देखने को मिलता है, तो ये थल सेना का हो गया, ठीक है। 13वां नसीम अल बहर, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, भारत और ओमान के बीच है, नसीम अल बहर याद रखिएगा, ओमान के तट पर हुआ, नौसेना का है, ठीक है। ऑस्ट्रा हिंद 2022 जो हुआ, हिंद अभ्यास, ये हिंद, ये ऑस्ट्रा है, देखिए इसमें नाम में ही दे दिया है, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। महाजन, ये इंपॉर्टेंट है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और थल सेना का है। समुद्री भागीदारी अभ्यास 2022, ये भी एक मिनट कुछ छूटा गया इसमें, पहला ऑस्ट्रा, अच्छा नहीं, ठीक है, समुद्री भागीदारी अभ्यास 2022 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, ये भी कहाँ हुआ, तो बंगाल की खाड़ी में हुआ, और नौसेना, ठीक है, समुद्री भागीदारी भी है किसके बीच, तो ऑस्ट्रेलिया के बीच। मालाबार तो जानते ही होइएगा, ये क्वाड क्वाड जो देश है इसमें आता है कौन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, ये जो चार देशों के बीच का है, ये बहुपक्षीय, जापान के द्वीप में हुआ, अगर पूछा जाए तो ओकोत्सुका जो द्वीप है यहाँ पर हुआ, नौसेना का है ये। फर्स्ट IMT जो हुआ इसके बीच में है, इसके नाम में ही है, देखिए भारत, इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया, त्रिलाट, ठीक है। तो IMT अगर पूछा जाए तो इसमें भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया नाम में है, तंजानिया में हुआ, नौसेना का है। 29वां सिम्बेक्स जो हुआ, अच्छा इसमें नाम में ही है सिम्बेक्स, देखिए सिंगापुर आ रहा है, SI से सिम्बापुर, सिंगापुर, ठीक है, मिलिट्री बाई सिंगापुर और इंडिया मिलिट्री बाई बायलेटरल एक्सरसाइज जो हो गया भारत और सिंगापुर के बीच, बंगाल की खाड़ी में, विशाखापट्टनम में हुआ, नौसेना का है ये। गरुर अभ्यास, अच्छा इसमें देखिए गरुर शक्ति अगर पूछा जाए तो शक्ति बताए थे ना उसमें, लेकिन इस यहाँ देखिए इसमें सीधे शक्ति का कहीं तो नहीं है, गुरुर है, मतलब कि गुरुर जैसा इसमें हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन शक्ति का कहीं प्रदर्शन इसमें नहीं हो रहा है। शक्ति अगर दे दिया जाए तो इंडोनेशिया याद रखिएगा, लेकिन अगर गरुर सीधे पूछा जाए अभ्यास, तो भारत और फ्रांस के बीच में कहाँ, तो जोधपुर वायुसेना स्टेशन, जो वायुसेना का है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है जोधपुर। 18वां युद्ध अभ्यास 2022 भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, ओली उत्तराखंड में हुआ, ये कैसा है, तो थल सेना का है, ठीक है। इसके आगे एक है इंपॉर्टेंट, टाइगर ट्रंप, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, टाइगर ट्रंप भारत और अमेरिका के बीच में होता है, ये विशाखापट्टनम में हुआ, थल सेना का है। 7वां इप्सामार अभ्यास जो हुआ, इसके नाम में ही है, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, ऐसे कीजिएगा, ये सब थोड़ा पुराना है, तो ये सब कम इम्पोर्टेंट है। और जाइमैक्स जो हुआ, भारत, जापान, ये बंगाल की खाड़ी, काकाडू याद रखिए, भारत बहुराष्ट्रीय और ऑस्ट्रेलिया के बीच का है ये, इसके भारत का INS सतपुरा और PATI जो है समुद्री विमान इसमें भाग लिया, तो ये पूछा जा सकता है। काकाडू अभ्यास 2022 ये बहुराष्ट्रीय और ऑस्ट्रेलिया के बीच का है, इसमें भारत के INS सतपुरा और PATI जो समुद्री विमान है इसने भाग लिया, नौसेना का है, ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं। वोस्टोक अभ्यास जो है ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, वोस्टोक ये रसिया का है जगह, ठीक है, थल सेना का। पिच ब्लैक ये बहुराष्ट्रीय है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, पिच ब्लैक इम्पोर्टेंट है, वायुसेना का है ये। और उदार शक्ति, ठीक है, इसमें उदार शक्ति है, एक गरुड़ शक्ति, उदार शक्ति, ये सब अलग अलग है, देखिएगा इसमें, ठीक है, तो ये उदार शक्ति जो हो गया भारत और मलेशिया हो गया, ठीक है, उदार शक्ति, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया, उदार शक्ति मलेशिया। 13वां वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में, ये थोड़ा पुराना है लेकिन इम्पोर्टेंट है, थल सेना का। और विनवैक्स इसके नाम में ही है, ठीक है, वियतनाम, इंडिया, ठीक है, तो वियतनाम, भारत और वियतनाम के बीच में हुआ, चंडी मंडी हरियाणा, तो ये जगह इम्पोर्टेंट है, चंडी मंडी हरियाणा, अगर विनवैक्स पूछा जाए कैसा है, तो ये थल सेना का है, ठीक है। तो छोटा छोटा ही टॉपिक अभी आते रहेगा, बिजी मैं भी हूँ, काफ़ी बिजी हूँ, समय मुझे भी नहीं मिल पाता है, लेकिन छोटा छोटा जो टॉपिक है इसको बना देते रहेंगे, ठीक है, करेंट का ही अभी चलेगा कंटिन्यू, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।